डियर स्टूडेंट्स वी वर स्टडिंग कॉन्टेंट अनिस इन प्रीवियस मेड्यूल एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिटाइजिंग इन कॉन्टेंट अनालस जैसा कि आप जानते हैं कि क्वान्टिटेटिव रिसर्च में uh, जो एक उसका इंटाग्रल पार्ट होता है वो पॉपुलेशन से सैम्पल ड्रा करना और सैम्पल में फिर एक एक सैम्पलिंग यूनिट तक पहुँचना कॉन्टेंट अनालस में ये प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इसमें यूनिटाइजिंग uh, सिर्फ क्योंकि इसमें रिस्पॉन्डेंट्स तो नहीं होते इसमें आपके टेक्स्ट भी हो सकता है आपके करेक्टर्स भी हो सकते हैं आ, कोई स्टोरीज हो सकती हैं तो इसका थोड़ा सा प्रोसीजर सर्वे रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से डिफरेंट है आइए देखते हैं कि वो कैसे डिफरेंट है कंटेंट एनालिसिस में जब हम यूनिटाइजिंग की बात करते हैं तो ये इसको हम बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं सैम्पलिंग यूनिट्स रिकॉर्डिंग और कोडिंग uh, यूनिट्स uh, और कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स यानी कि आप सबसे पहले uh, जो भी आपका सैम्पल uh, होगा वो आप uh, उसको लेंगे पापुलेशन से इसको मैं आगे आपको डिटेल में जाके बताता हूँ और फिर इसके बाद जब आप वो डिसाइड कर लेंगे तो फिर आप के कोड्स क्या होंगे और रिकॉर्ड्स क्या होंगे उनके भी आप कुछ यूनिट्स बनाते हैं और उसके बाद फिर आप एक कोड में उसके कॉन्टेक्स्ट के यूनिट्स क्या होंगे वो फिर आप डिसाइड करते हैं ये आप थोड़ा सा इसको प्री डिटर्मिन करते हैं और इसी वजह से कंटेंट एनालिसिस जो है थोड़ा सा डिफरेंट भी है थेमेटिक और डिस्कोर्स एनालिसिस से सैम्पलिंग यूनिट्स आर द यूनिट्स दैट आर डिस्टिंग्विश्ड फॉर सेलेक्टिव इंक्लूजन इन एन एनालिसिस वो स्टोरी uh, uh, या वो प्रोग्राम uh, या वो बुक या वो न्यूज़पेपर जो आप अपनी स्टडी में शामिल कर रहे हैं ऑन एनी क्राइटेरिया उसको हम सैम्पलिंग यूनिट कहेंगे फॉर इंस्टेंस आपने स्टडी करनी है रियलिटी शोज़ के ऊपर कि रियलिटी शोज़ में आ, जो जेंडर रोल्स हैं वो किस तरह प्रेजेंट किए जाते हैं तो रियलिटी शोज़ तो बहुत सारे हो रहे होंगे दुनिया में तो आप कहते हैं कि मैंने जो पाकिस्तानी टी वी रियलिटी शोज़ हैं उनके ऊपर स्टडी करनी है फिर आप उसके ऊपर एक और इंक्लूजन क्राइटेरिया लगा देते हैं कि आप वो पाकिस्तानी टीवी रियलिटी शोज़ को स्टडी करना चाहते हैं कि जो आ, सिर्फ आ, जो मेल होस्ट या जो एक मैन एनकर जो होस्ट कर रहा है वो वाले आप स्टडी करना चाहते हैं तो इस तरह से आप जब एक इंक्लूजन क्राइटेरिया और कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया सेट करते हैं तो आप बेसिकली अपना सैम्पलिंग यूनिट ड्रा कर रहे होते हैं और उसके बाद आप उसमें ये भी देख सकते हैं कि आपने एक रियलिटी शो ले लिया तो उसमें आप कितने उसकी एपिसोड्स को जो है स्टडी करेंगे कोई अगर आप न्यूज़पेपर के ऊपर कोई कंटेंट एनालिसिस कर स, कर रहे हैं वो उर्दू न्यूज़पेपर है या इंग्लिश न्यूज़पेपर है अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर है तो वो वीकली है या डेली है डेली है तो आप उसके कितने टाइम स्पैन के ऊपर आप उसको जो है स्टडी करेंगे वो आप डिसाइड कर लेते हैं ये सारा काम जब आप करते हैं तो ये सैम्पलिंग एज अ साम्पलिंग यूनिट आप कर रहे होते हैं रिकोडिंग एंड कोडिंग यूनिट्स रिकोडिंग एंड कोडिंग यूनिट्स आर यूनिट्स दैट आर डिस्टिंग्विश फॉर सेपरेट डिस्क्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन रिकॉर्डिंग और कोडिंग uh, हम कंटेंट एनालिसिस में uh, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वी सेट डेफिनेशंस यानी हमने कुछ ना कुछ पहले से क्राइटेरियन सेट किए होते हैं कोडिंग के और रिकोडिंग के जैसे अगर हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो आपको पता है कि न्यूज़पेपर में किस तरह की स्टोरीज़ आ सकती हैं उसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड स्टोरी हो सकती हैं उसमें इंटरटेनमेंट से रिलेटेड स्टोरीज़ हो सकती हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टोरीज़ हो सकती हैं एजुकेशन से रिलेटेड स्टोरीज़ हो सकती हैं और क्राइम से रिलेटेड स्टोरीज़ हो सकती हैं और बिजनेस से रिलेटेड स्टोरीज़ होती हैं हो सकती हैं तो आप इन्हीं को आप अपने कोडिंग जो है यूनिट्स ले लेंगे कि अगर आप किसी न्यूज़पेपर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं सेम इज़ द केस विद द एनी टी वी प्रोग्राम आप टी वी प्रोग्राम फॉर इंस्टेंस आप कर रहे हैं कोई स्टडी कर रहे हैं एक टॉक शो प्राइम टाइम टॉक शो जो पोलिटिकल टॉक शोज होते हैं तो आपको पता है पोलिटिकल टॉक शोज़ में किस तरह के आ, जो है आ, डिबेट्स होती हैं ज़्यादातर पॉलिटिक्स पे होती हैं इकोनॉमी भी होती हैं सम टाइम उसमें कोई सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के ऊपर कोई डिबेट हो रही होती है और बहुत कम होता है कि उसमें कोई पॉलिसी लेवल की डिबेट हो रही हो तो वो आप उसको पहले से कैटेगराइज कर सकते हैं कि इसमें ये ये मेरे कोडिंग यूनिट्स हो सकते हैं कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स वंस यू डिसाइडेड योर कोडिंग यूनिट्स देन यू गो फॉर द कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स फॉर इंस्टेंस हम अगर बात करें कि एक न्यूज़ जो रिपोर्ट होती है एक डेली न्यूज़ पेपर तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में रिपोर्ट होती है यानी एक कोई पोलिटिकल डिसीजन हुआ कोई इकनॉमिक पॉलिसी आई या कोई इसी तरह कोई एजुकेशन पॉलिसी आई तो वो जो भी डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने वो डिसीजन किस तरह से एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट कर रहा है जैसे कि मैं आप एक एग्जांपल इसकी देता चलता हूँ यहाँ पर कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करनी होती है पेट्रोल प्राइसेस फॉर नाइटली यानी महीने में दो दफ़ा पेट्रोल प्राइसेस का डिटरमिन किया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ फिनंस ये डिटरमिन करती है हमारे मुल्क में तो जब वो न्यू प्राइस आती है तो वो रिपोर्ट होती है न्यूज़पेपर पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो अगर आ, एक ख़बर को नेगेटिवली रिपोर्ट किया जाएगा तो वो कैसे किया जाएगा फॉर इंस्टेंस अगर ये कहा जाए कि हुकूमत ने एक और महंगाई का बम गिरा दिया पेट्रोल की कीमत में दो रुपये इजाफा अब ये इजाफा तो दो रुपये है मगर उससे पहले ये जो सिंटेक्स एक डेवलप कर दिया गया कि महंगाई का बम गिरा दिया गया ये जो एक कॉन्टेक्स्ट बना दिया गया तो ये एक नेगेटिव रिपोर्टिंग है अब आ, कोई और गवर्नमेंट आती है तो वही न्यूज़पेपर या वही टीवी चैनल चैनल पेट्रोल प्राइसेस के इंक्रीज को कुछ ऐसे रिपोर्ट करता है कि हुकूमत को मुश्क फैसले लेने पड़ रहे हैं और आवाम के वसी तर मफाद में पेट्रोल की प्राइसेस में सिर्फ पंद्रह रुपये इजाफा तो ये अब आ, क्या है कि ये एक पॉजिटिव मैनर में आ, जो है एक डिसीजन को रिपोर्ट किया जा रहा है तो कोई भी खबर जो होती है उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है मे बी समाइम कुछ न्यूज़पेपर ऐसे हों जो उसको न्यूट्रली रिपोर्ट कर रहे हों इसी तरह आप आ, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर भी ये देखते हैं कि भी उसमें अगर कोई एक ड्रामा है तो ड्रामा में किस तरह से पोट्रेल किया जा रहा है डिफरेंट करेक्टर्स को तो वो भी आप इसमें इस, इस कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं तो जब हम कंटेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम एक कोड के अंदर उसके फिर कॉन्टेक्स्ट को भी देखते हैं कि अच्छा अगर इस पर्टिकुलर करेक्टर को देखा गया है तो उसको पॉजिटिवली कितना देखा गया और उसको नेगेटिवली कितना देखा गया और फिर अगर एक ही डिसीजन को रिपोर्ट किया गया है न्यूज़पेपर में तो उसको पॉजिटिवली कैसे रिपोर्ट किया गया है और नेगेटिवली कैसे रिपोर्ट किया गया है। तो ये हमारे यूनिटाइजिंग uh, था कंटेंट एनालिसिस में आगे हम नेक्स्ट मिड्यूल में बात करेंगे कि कंटेंट एनालिसिस कैसे डिफरेंट है अदर क्वालिटेटिव डिज़ाइन से